मैं पावन धरा का स्थल हूँ, मैं शक्ति पीठ स्वरूपा हूँ, मैं तपो भूमि का प्रांगण हूँ, मैं जग जननी अधिरूपा हूँ। सीतापुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मंडल के अंतर्गत एक जिला है, लेकिन इस जिले को लेकर बहुत अधिक प्रमाण इतिहास के कालखंडों में दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इस जिले के क्रमबद्ध इतिहास का विवरण स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन हम अपने व्यूअर को निराश ना करते हुए जो कुछ भी हमें ऐतिहासिक विवरण मिले हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से रखने का सफल प्रयास करेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सीतापुर जिले के इतिहास से रूबरू कराने। फरवरी 1856 में अवध राज्य के अधिग्रहण के बाद अंग्रेजों द्वारा सीतापुर को पहली बार एक जिले के रूप में गठित किया गया था। इससे पहले मुगल साम्राज्य और फिर अवध के नवाबों के तहत इस क्षेत्र को कई प्रशासनिक इकाइयों के बीच विभाजित किया गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान आज के सीतापुर जिले के क्षेत्र को चार सरकारों के बीच विभाजित किया गया था, जो अवध सूबे के अंतर्गत परिभाषित थे। 1856 में अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा करने के बाद उन्होंने सीतापुर को खैराबाद डिवीजन में एक नए जिले के मुख्यालय के रूप में सेवा देने के लिए चुना। चौका और घाघरा नदियों के बीच के क्षेत्र ने संक्षेप में मल्लनपुर पर आधारित एक अलग जिले का गठन किया, जो बहराइच डिवीजन का हिस्सा था। 1857 के विद्रोह से पहले मल्लनपुर जिले को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन संघर्ष के समाप्ति के बाद 1858 तक इसे लागू नहीं किया गया था और दहावर के दक्षिण के हिस्सों को सीतापुर में मिला दिया गया था। तब से और अभी भी 1900 की शुरुआत में सीतापुर में चार तहसीलें और 21 परगना शामिल थे। भौगोलिक रूप से यह गंगा के मैदान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई उत्तर पश्चिम में समुद्र तल से 150 मीटर से लेकर दक्षिण पूर्व में 100 मीटर तक है। यह कई धाराओं और नालों द्वारा प्रतिच्छेदित है और इसमें कई उथले तालाब और प्राकृतिक जलाशय हैं, जो बारिश के मौसम में बह जाते हैं लेकिन कुछ स्थानों पर गर्म मौसम में सूख जाते हैं। नदियों के किनारे रेतीले खंड पाए जाते हैं और स्थानीय रूप में इन्हें भूर के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से यह क्षेत्र गंगा नदी की अच्छी तरह से एकीकृत प्रणाली का एक हिस्सा है। गोमती नदी जिले के पूर्वी भाग में सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है और निम्नलिखित छोटी नदियों को समाहित करती है। घाघरा जिले की पूर्वी सीमा बनाती है। सीतापुर जिले में 5 नदियां बहती हैं, गोमती, कथाना, पिरई, सरायन, घाघरा और शारदा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले को क्रमशः 4 लोकसभा, 9 विधानसभा, 19 विकास खंड, 7 तहसील, 1329 ग्राम पंचायतों के क्रमबद्ध जाल में बांधा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सीतापुर जिले की जनसंख्या 44,83,992 है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से इस जिले का 8वां स्थान है, जबकि जन घनत्व 481 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सीतापुर की औसत साक्षरता दर 61% है, जो राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 74% से कम है, जबकि प्रति 1,000 पुरुषों पर 888 महिलाओं का लिंगानुपात है। सीतापुर की कुल आबादी में से जिले में शहरी आबादी का प्रतिशत हिस्सा 11.8% है। जिले की कुल आबादी का लगभग 79% हिंदू और 20% के आसपास मुस्लिम है।
हिंदू और मुसलमान कालीन उद्योग में एक साथ काम करते हुए सीतापुर जिले में आपसी भाईचारे के मिसाल को सदियों से चलाए हुए हैं। आर्थिक रूप से एक तरफ यह जिला कृषि गतिविधियों का केंद्र है, जो क्रमशः गेहूं, चावल और उड़द के साथ प्रधान फसलों को उत्पादित करता है, जबकि गन्ना, सरसों और मूंगफली के रूप में नकदी फसलों का बोलबाला है। विशेष रूप से जिले के पूर्वी भाग में पुदीना का फसल क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। नदियों की घाटी में रेतीली मिट्टी के संकरे इलाकों में आलू, मूंगफली और अदरक का उत्पादन भी होता है। केले के बागान हाल ही में किसानों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, तो दूसरी ओर उद्योगों का वृहद जाल जिले के चारों ओर फैला हुआ है, जो अधिकांश कच्चे कृषि उत्पादों पर आधारित है, जिसमें प्लाईवुड, चीनी, कागज, चावल, आटा मिलें अपनी प्रमुखता को बनाए हुए हैं। पर्यटन के उद्देश्य से यहां धार्मिक स्थल की मान्यता से जुड़े स्थल अधिक मात्रा में नजर आ जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर पौराणिक कथाओं के अनुसार सीतापुर उन पांच पवित्र स्थानों में से एक है जहां हिंदुओं को अपनी पंचधाम यात्रा में जाना है। नैमिषारण्य के निकट मिश्रिख का धार्मिक महत्व इस मान्यता के कारण है कि महर्षि दधीचि ने वज्र बनाने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दे दी थीं। तो आइए आगे और भी रोचक स्थलों पर नजर डालते हुए इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। मिश्रिख नैमिषारण्य से 10 किलोमीटर दूर एक धार्मिक स्थान है। महर्षि दधीचि आश्रम और सीताकुंड इस स्थान के पवित्र तीर्थ हैं, जबकि नैमिषारण्य धार्मिक और ज्ञान का केंद्र है। यहां 30,000 धार्मिक स्थल हैं। नैमिषारण्य में चक्रतीर्थ सबसे पवित्र स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र भूमि पर भगवान विष्णु का चक्र गिरा और एक गोल कुंड बनाया, जिसे चक्रतीर्थ नाम दिया गया। पंचप्रयाग यह तालाब ललिता देवी मंदिर के पास स्थित है, जबकि ललिता देवी मंदिर पांच शक्तिपीठों में से एक है। हनुमानगढ़ी यह ललिता देवी मंदिर के पास है। मनु शत्रुपा मंदिर यह व्यास गद्दी के पास स्थित है। देवपुरी यह रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। तिरुपति मंदिर यह देवपुरी के पास स्थित है। आनंद भवन इसमें 18 उपनिषद और पुराण रखे गए हैं। श्यामनाथन मंदिर यह शिव मंदिर 300 से 400 साल पहले पुराने सीतापुर शहर के मुंशीगंज में बनाया गया था। मंदिर में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली विद्यमान है। व्यास गद्दी मिश्रिख तहसील में सीतापुर के पास स्थित है, जहां ऋषि व्यास ने वेदों को चार भागों में विभाजित किया था। जंगली नाथ बाबा पुलिस लाइन क्रॉसिंग के पास स्थित है। यह शिव का मंदिर है। खैराबाद सूफी विरासत के लिए प्रसिद्ध एक छोटा सा शहर। करमकोट वह स्थान जहां प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी करम गोपीचंद ने अपने करियर के शुरुआती वर्षों में बैडमिंटन का अभ्यास किया था। अब लोग बैडमिंटन में अपना विद्यारंभ शुरू करने के लिए इस जगह का दौरा कर रहे हैं। लोग उस मिट्टी को इकट्ठा करते हैं जहां कभी करम के पैरों के निशान बने थे। सीतापुर जिले की धरती ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश के साथ अपने उन वीर सपूतों के प्रतिभा के कारण विश्व प्रसिद्ध है, जिनके नाम क्रमशः मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र, राजा टोडरमल वित्त मंत्री और सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक, लेखक और फिल्म निर्देशक वजाहत मिर्जा ने मुगले आजम और गंगा जमुना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, महेश प्रसाद मेहरे सीतापुर नेत्र अस्पताल के संस्थापक
जो पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। धन्यवाद।